पिछले जितने भी व्लॉग्स आपने देखे हमारे, उसमें कहीं ना कहीं पे या तो कोई स्क्रिप्ट होती है या तो कोई स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये व्लॉग में ना ही कोई स्क्रिप्ट है ना ही कोई स्ट्रक्चर है। हमारी लव लाइफ जैसी है वैसी की वैसी आपको दिखेगी। ओनली प्योर रॉ इमोशंस एंड फीलिंग्स है। दिस इज द स्पॉन्टेनियस रैंडम एंड रोमांटिक व्लॉग। मेरा एंड मेरी ब्यूटीफुल फियांसे अंजलि का लास्ट व्लॉग जो अराउंड 6 मंथ्स पहले आया था, उस दिन लास्ट में जब हम अलग हो रहे थे तब वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि शी वॉज लिटरली क्राइंग। तब मैंने एक सेंटेंस बोला था, एंड वी डोंट नो व्हेन विल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बट उस बात की गारंटी है कि जब भी मिलेंगे अपने पहली मुलाकात से भी ज्यादा एक्साइटेशन से मिलेंगे। एंड देट वॉज एब्सोल्युटली ट्रू। बीइंग अ डॉक्टर कपल एंड स्पेशली इन अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वी कैन नेवर प्रेडिक्ट द टाइमिंग ऑफ अवर नेक्स्ट मीट, एटलीस्ट टिल वी कम्प्लीट अवर स्टडीज। जस्ट बिफोर 15 डेज आई केम बैक टू माई होम आफ्टर कम्प्लीटिंग माई रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन लॉन्च, एंड इट वॉज माई बर्थडे ऑन 4th November। सो हमने डिसाइड किया कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आइडियली अंजलि शुड कम टू सरप्राइज मी, बट इन फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल रेसिडेंसी इट्स नियरली इम्पॉसिबल, सो हमें ही उनके पास जाना पड़ा। समटाइम्स थिंग्स विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस, बट स्टिल वी कीप ग्रोइंग अवर लव, एंड दैट इज वॉट ट्रू लव इज। हमें एक दूसरे से मिनिमल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एंड लव अवर पार्टनर एज इट इज। गाड़ी तो है हमारे पास छोटी सी, बट क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल लाइसेंस नहीं है एंड मैंने अप्लाई किया हुआ है, इतना लॉन्ग रूट गाड़ी लेके जाना सेफ नहीं लगा। सो हम बस में ही निकल पड़े। 6 घंटे की एग्जॉस्टिंग येट एक्साइटेड जर्नी के बाद हम वडोदरा पहुंच गए। आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी हर लाइव। यूजुअली तो वो मुझे बस स्टैंड लेने आते हैं, बट अगेन टूडे इज द थर्सडे एंड आज उनकी इमरजेंसी कॉल डे होता है, यानी कि 36 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी। उनके पास खाने का टाइम नहीं होता, मुझे लेने तो वो कहाँ से आएंगे। सो मेरा MBBS का रूम पार्टनर दीपक मुझे लेने आया था, वो भी वहाँ पे MD मेडिसिन ही कर रहा है, बट ही इज सीनियर एंड उसका आज ऑन कॉल नहीं है। सो ही केम एंड आई वॉज सो हैप्पी मीटिंग हिम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। वी रीच्ड टू SSC हॉस्पिटल इमरजेंसी बिल्डिंग वेर अंजलि इज डूइंग हर ड्यूटी। मैंने उन्हें कॉल किया एंड देयर शी वॉज, अ स्मॉल क्यूट येट प्रोफेशनल डॉक्टर गर्ल। वी बिकेम सो इमोशनल दैट वी जस्ट स्पेंड 10 मिनट्स सीइंग ओनली ईच अदर। कोई व्लॉग शूटिंग नहीं करना चाहता था मैं, जस्ट उनके साथ वो वैल्यूएबल 10 मिनट्स को जी भर के जी लेना चाहता था। उन्होंने मुझे उनका इमरजेंसी रूम एंड पेशेंट का मैनेजमेंट दिखाया। वहाँ 2-3 और भी रेसिडेंट से मुलाकात हुई जो हमें फॉलो करते हैं, एंड कब से उन्होंने अंजलि को बोल के रखा था कि दर्शन भैया आए तो जरूर से मिलवाना। लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना सारा प्यार मिलेगा। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। क्योंकि उनकी ड्यूटी ऑनगोइंग थी, ना चाहते हुए भी हमें 10 मिनट की मुलाकात के बाद अलग होना पड़ा। मैं, दीपक एंड हमारा एक दोस्त भार्गव डिनर के लिए गए, एंड देन दीपक ने मुझे अपने होटल पे छोड़ दिया। एंड जैसे ही मैं बेड में बैठा, पता ही नहीं चला कब विदिन 2 मिनट्स मुझे डीप नींद आ गई। अराउंड 1 घंटे के बाद 11:45 पे एक कॉल आया। पहले तो 2-3 कॉल तो ऐसे ही चले गए, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक नींद खुल गई तो देखा तो पता चला कि दीपक का कॉल था। मैंने उठाया तो उसने बोला कि नीचे आ जा होटल के बाहर। अब मुझे पता चल गया कि उसने कुछ केक या सेलिब्रेशन का प्लान किया हुआ है। बट मैं भैया इतना ज्यादा नींद में था, पूरे दिन का टायरिंग बस ट्रैवलिंग था, एंड दौड़ दौड़ के बाद बेड से उठने का ही मन नहीं हो रहा था। एंड मुझे पता था कि ये लोग केक से मुंह खराब करेंगे एंड फिर आके नहाना एंड ऑल। मैंने मल्टीपल टाइम्स मना किया, बट फिर लास्ट में उसको सरप्राइज तोड़ना पड़ा। उसने बोला कि सिर्फ उसके अकेले का प्लान होता तो चलता, लेकिन अंजलि ने केक मंगवाया है एंड वो वहाँ पे इमरजेंसी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तब मुझे थोड़ा सीरियसनेस आया एंड मैं उठ के नीचे पहुँच के दीपक के साथ हॉस्पिटल पहुँच गया। अगेन उनको देख के सारी नींद उड़ गई एंड इमरजेंसी बिल्डिंग के डॉक्टर्स रूम में ही हमने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया। थैंक यू सो मच अंजलि फॉर टेकिंग आउट योर प्रीसियस टाइम फ्रॉम योर वेरी बिजी एंड हेक्टिक ड्यूटीज। स्पेशल थैंक्स टू दीपक फॉर हेल्पिंग हर फॉर मेकिंग दिस डे स्पेशल। देन आई वेंट टू होटल, स्लेप एंड वॉक अप एट 8 AM। आज से 5 दिन अंजलि ने दिवाली वैकेशन लिया हुआ है। यस, दिवाली के 10 दिन बाद ही सही, लेकिन 8 मंथ्स के बाद उन्हें छोटा सा वैकेशन मिल गया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर टू अराइव एट 9 AM, बट इट्स बिन 10 AM एंड स्टिल उनका कोई भनक नहीं था। मैंने बैठे बैठे मेरी एप्लीकेशन स्मार्टेक्स का थोड़ा सा काम निपटा दिया। मेरे बर्थडे पे हैवी डिस्काउंट्स देने थे आप सबको, तो उसका कूपन कोड रिलीज करके नोटिफिकेशन भेज दिया। मैंने उनको कॉल किया तो पता चला कि मैडम तो सो गए थे वहाँ पे। ऑब्वियसली 24 आवर्स ड्यूटी के बाद छुट्टी का दिन मिला था तो कौन नहीं सोएगा। फाइनली वेट करते करते एंड थोड़ी बहुत नींद पूरी करने के बाद वो 2 बजे मेरे रूम पे आए। जब वो आए तब वेट करते करते मैं भी सो गया था। वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक थिंग्स। उन्होंने मुझे मेरे ड्रीम डेस्क के लिए ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया।
एंड देन रेडी होके हम डिनर डेट पे गए। आफ्टर ईटिंग डिलीशियस डिशेस एंड थोड़ा बहुत फोटोशूट वी वेंट बैक एंड स्लेप्ट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फटाफट से रेडी होके हम निकल पड़े अपने घर जाने, यानी कि मेरे गांव उपेरा के लिए। मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि इतनी डिजर्विंग एंड टैलेंटेड डॉक्टर गर्ल को मैं बस में अपने घर ले जा रहा था। बट शी आइडेंटिफाइड दैट सबकॉन्सियस फीलिंग एंड टोल्ड मी इमीडिएटली दैट डोंट वरी, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं एंड यही हमारी स्ट्रेंथ है। मुझे कोई शर्म नहीं है बस में ट्रैवल करने में, बस आप साथ होने चाहिए। बाकी बहुत जल्द हम अपनी खुद की कमाई से गाड़ी भी ले लेंगे एंड मुझे हमारी प्रोग्रेस पे बिल्कुल विश्वास है। जीरो से आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी आपके सारे ड्रीम्स अचीव करोगे ही। एंड एट दैट मोमेंट आई रियली बिकेम इमोशनल। आई डोंट नो मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वहाँ पे इतनी समझदार सपोर्टिव एंड केयरिंग गर्ल मिली है। पहले मैं भी ऐसी ट्रू लव वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, बट उनके आने के बाद आई एम फीलिंग दिस लव एवरी सेकंड ऑफ माई लाइफ। शी इज़ वेरी एविड रीडर ऑफ बुक्स एंड ऐसी ही एक बुक उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस। इट लिटरली चेंज्ड माई वे ऑफ लुकिंग एट ट्रू लव। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ओरिएंटेड बुक है जो आप भी कुकू एफएम पे सुन सकते हो एंड जो आपको ट्रू लव एंड उसको लाइफ टाइम स्ट्रॉन्ग करने की क्वालिटी सिखाएगी। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक थाउजेंड्स ऑफ हिंदी ऑडियो बुक्स एंड उनकी समरीज मिल जाएगी। हम तो रोज सुनते हैं एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव 399 rupees पर ईयर का सब्सक्रिप्शन है एंड उसमें भी मेरा कोड अगर DP50 यूज़ करोगे तो इंस्टेंट 50% ऑफ मिल जाएगा। 199 rupees पर ईयर में आपको सारी प्रोडक्टिव बुक्स एंड उनकी समरीज अवेलेबल हो जाएगी जो एक बुक के प्राइस से भी कम है। कोड सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डाउनलोड करके यूज़ करना स्टार्ट करो। आई एम श्योर यू विल लव इट। अगेन आफ्टर 6 hours ऑफ टायरिंग जर्नी हम पहुँच गए हमारे गाँव उपेरा। मैंने, मम्मी ने और मेरी बहन ने अंजलि के लिए 8 months से बहुत सारे गिफ्ट्स इकट्ठे करके रखे थे जो आते ही उनको थमा दिए। कुछ ड्रेसेस उन्होंने ट्राई भी कर लिए। ऑनेस्टली वो कुछ भी पहने मुझे तो हमेशा ब्यूटीफुल ही लगता है। उनके आने से घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी एंड पूरा परिवार ये लक्ष्मी को देख के खुश खुश था। मम्मी ने स्पेशल नए मेहमान के लिए स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाए थे, सबने पेट भर के खाना खाया। नेक्स्ट डे हम उनके गाँव अनवरपुरा जाने के लिए निकल गए। रास्ते में सबने अनलिमिटेड पिज्जा खाए। मेरे मम्मी पापा जो गांव के बाहर हार्डली निकल पाते हैं, उन्होंने लाइफ में पहली बार ऐसी रेस्टोरेंट में ऐसा खाना खाया। दे वर वेरी हैप्पी। अंजलि के घर पे भी सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि लड़की 8 महीने के बाद घर पे आई थी। थोड़ी बहुत बातें एंड मजाक मस्ती करने के बाद मेरे मम्मी पापा एंड बहन वापस निकल गए एंड हम तो भैया वहाँ पे ही रुक गए क्योंकि जहाँ जहाँ पे अंजलि वहाँ वहाँ पे हम। 4 दिन वैकेशन मिला है उनको, उसमें हम कैसे एक भी दिन उनके बिना बिताए। Everything is secondary, but our ठंडा cool head मालिश is permanent। मैंने उनको करके दिया तो मुझे भी रिवॉर्ड मिला उनके soft hands से head massage एक्सपीरियंस करने का। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग रेडी होके हम पहुँच गए टेरेस पर। गाँव आए और नीरव शांति में प्योर हवा के साथ मेडिटेशन ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इट वॉज रियली अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। देन हमने झूले में बैठ के थोड़े बहुत फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस किए क्योंकि यूजुअली उनके ड्यूटीज़ के चलते कॉल पे अब इतना डिस्कशन नहीं हो पाता। आज उनका लास्ट डे था सो वापस कब जाना है वो भी डिसाइड करना था। कल मॉर्निंग 8 बजे उनकी ड्यूटी थी सो या तो हम आज शाम को निकले या तो कल मॉर्निंग पे बहुत अर्ली उठ के अराउंड 4 बजे के आसपास निकले। एंड ऑब्वियसली हमने सेकंड ऑप्शन को चुना। भले सुबह इतना जल्दी उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो बट एक शाम घर पे बिताने का मौका नहीं छोड़ेंगे। उनके पापा ने उनके हेयर कट करके दिए
Sometimes I think she is also very lucky to have such a caring parents, brother, and of course me. She is very expert in making masala papad and masala chaash. After eating full pet lunch, हमने उनका बैग पैक कर दिया। एक रेसिडेंट के बैग में क्या क्या होता है आप भी जरा देख लीजिए। शाम को थोड़ा शॉपिंग एंड दही पूरी खा के हमने दिल पे पत्थर रख के सामान पैक कर दिया एंड अर्ली मॉर्निंग 4 बजे रेडी होके हम दो नैतिक जो कि उनका भाई है एंड उनका फ्रेंड निकल पड़े वडोदरा जाने के लिए। आई रियली डिडंट वॉन्ट टू लीव हर स्पेशली वेन आई नो कि इतना छोटा सा बॉडी इतना ज़्यादा वर्कलोड एंड स्ट्रेस डेली हैंडल कर रहा है एंड स्टिल मैं उनके पास रह के उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई नो शी इज़ वेरी ब्रेव एंड आई रियली सैल्यूट टू हर पोटेंशियल। हेड्स ऑफ टू ऑल द रेसिडेंट डॉक्टर्स वर्किंग डे एंड नाइट्स थ्रू आउट द कंट्री टू रन इंडियाज गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू से बाय बट फिर से बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे प्रॉमिस के साथ हम जुदा हुए। आई होप ये व्लॉग से आपको भी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिले होंगे एंड आई विश आपको हमसे भी बेहतर लव लाइफ मिले। कुकू FM डाउनलोड करके ये बुक सुनना ना भूले। हमारे रिलेशनशिप के 6 मंथ्स पहले वाला ब्यूटीफुल व्लॉग अगर देखना चाहते हो तो ये वीडियो देखो, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने लगकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।